PACL और अन्य चिट फंड कंपनियों की जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को और बेल आइकन का बटन भी दबाएं ताकि हमारे द्वारा। जी जी सर, कहिए। अभी बता रहा था कि ये आप जो है पैसे हमारे PACL कंपनी में जो फंसे हुए हैं, जिनके बॉन्ड ऑलरेडी ऑफिस में जमा है, उनका पैसा कब देंगे आप? सर, जिनके डॉक्यूमेंट्स कंपनी में जमा है सर, उनको वेट करना है सर। हाल फिलहाल वही लोग ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। ऑनलाइन अप्लाई का तो प्रोसीजर आपने मतलब ये लास्ट स्टेज पे चल रहा है, हम ये जानना चाह रहे हैं जिनका ऑलरेडी बॉन्ड जमा है उनके लिए भी तो कुछ आप अपडेट दो, अभी तक आपने कुछ नहीं करा। जी सर, अभी तक कोई अपडेट नहीं आई है सर, वेट कीजिए। हम 5 साल हो गए, साढ़े 1 साल, मतलब ये समझिए कि आपने पिछले साल से प्रोसीजर चालू कर रखा है 2,500 वालों का, और 2,500 वालों के बाद अभी तक आपने किसी को कोई एक पैसा भी देने का वो नहीं करा, जबकि सारी प्रॉपर्टी भी बिकनी शुरू हो गई और ऑस्ट्रेलिया से भी पैसा आ गया, अकाउंट में भी इनके करोड़ों रुपये आपके पास पड़ा है। जी सर, समझ सकते हैं। कमेटी की ओर से अभी तो कोई अपडेट नहीं आई है सर, वेट कीजिए सर। इतनी लेट लतीफी क्यों कर रहे हैं आप लोग? आप लोगों को पता नहीं हम लोग कितने परेशान हैं, हमने कितने मेहनत से करके पैसा अपना जमा करा और हम लोगों का अब पैसा लेकर बैठे हैं। जी सर, समझ सकते हैं सर। सर, रिफंड कमेटी की ओर से होने वाला है सर, हम नहीं करने वाले। तो हमें बताइए ना कब तक होगा, कम से कम आश्वासन तो दीजिए, हमें कोई आश्वासन नहीं दे, पता ही नहीं चल रहा कि आप लोग क्या कर रहे हैं। लोढ़ा कमेटी है, लोढ़ा कमेटी क्या कर रही है? अभी तक हम तक कोई सूचना नहीं आ रही लोढ़ा कमेटी की, लोढ़ा कमेटी आखिर कर क्या रही है। जी सर, हम आपको ऐसे नहीं कह रहे कि पैसे नहीं मिलेंगे, मिलेंगे जरूर मिलेंगे, मिलेंगे जब हम लोग मर जाएंगे जब मिलेंगे क्या मैम? ये भी तो देखो कि हम लोगों का कितना मतलब इस वक्त हम परेशान है, कम से कम जिन लोगों के बॉन्ड ऑलरेडी जमा है उनका तो कुछ प्रोसीजर चलाते। जी सर, समझ सकते हैं सर। सर, माफी चाहते हैं, देरी लग रही है, बट वेट कीजिए सर। मैम, वेट हम कितना कर ले? सुप्रीम कोर्ट का 6 महीने के बाद का ऑर्डर था कि 6 महीने के बाद इनका पैसा लौटा दीजिए, तो 6 महीने के बाद ऑर्डर उसने सुप्रीम कोर्ट ने किस बेस पे दिया था आप लोगों को ये बता दीजिए कि इस बेस पे 6 महीने का ऑर्डर दिया था, तो 6 महीने का आज 36-37 महीने हो गए। जी सर, समझ सकते सर आपको जो मैम आप समझ सकती हो, मैं आपको समझ रहा हूँ कि आप समझ सकती हो, आपके हाथ में तो कुछ नहीं, कम से कम ये तो पता चले कि ये ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने क्या सोच के दे दिया था और आपने क्या उनके सामने अपना वो रखा था कि हाँ भाई ये 6 महीने के अंदर अंदर पैसा दें। 6 महीने से ज़्यादा बीत गया, आज 2.5 साल होने वाले हैं, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की भी कोई मान्यता नहीं हो रही। जी सर, सर अधिक जानकारी के लिए आप PACL हेल्पलाइन में कॉल कीजिए सर, हमको नंबर बता रहे हैं। जी मैम, जो नंबर आप बताएंगे उसमें उस पर भी हमें हमारी बात हो चुकी है, वो भी बिल्कुल सेम आपके जैसे ही बात करते हैं। उन्होंने आपका कॉल रिसीव किया था सर? जी मैम, हमारा कॉल रिसीव हुआ है, वहाँ से भी हमें कोई आश्वासन नहीं मिल पा रहा। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि अब ये जो जिनके बॉन्ड जमा है उनका प्रोसीजर आप कब तक चालू करेंगे, कम से कम हमें कुछ बता दो। जी सर, सर हाल फिलहाल ऑनलाइन अप्लाई करने की जो डेट है उसको 31 जुलाई 2019 की गई है सर, ठीक है? हाल फिलहाल वही लोग ऑनलाइन। जी जी मैम, ये तो बॉन्ड वालों की, हम लोग हमारे तो बॉन्ड जमा है जिस हिसाब से कंपनी में जमा है, तो अगर भविष्य में आपको कोई अपडेट आए तो आपको जरूर सूचित किया जाएगा सर, वेट कीजिए सर। मैम कितनी वेट करें, आज आपसे हमारे कॉन्टेक्ट होते हुए पूरे 6 महीने हो गए, 6 महीने में हर महीने में आपसे कॉन्टेक्ट करता हूँ, तो आप यही कहते हैं कि अभी कोई अपडेट नहीं है। जी सर, माफी चाहते, देरी लग रही है, वेट कीजिए सर। कमेटी की ओर से अभी तक कोई अपडेट नहीं आई है सर इस विषय में। चलो तो मैम, अब मुझे ये बताइए कि जो और अन्य जो कंपनी है इनके कंपनियों का क्या प्रोसीजर चल रहा है, जैसे आदर्श क्रेडिट सोसाइटी है, ये भी आपके अंडर में आती है? कौन सी है सर, नाम बताइए कंपनी का। आदर्श क्रॉपरेटिव सोसाइटी। आदर्श, हाँ, सहकारी संस्था है कोई? कोऑपरेटिव सोसाइटी। हाँ, ओके जी, तो चेक करें हम, वेट कर। जी जी, आदर्श कोऑपरेटिव सर। जी जी मैम,
पेल आउट कीजिए आदर्श जी। अच्छा चेक करें, हाँ चेक करिए, आराम से चेक करिए जल्दी नहीं जी। आदर्श कोऑपरेटिव है सर? जी जी मैम बोलिए, सहकारी समिति जाने क्या है ऐसे की? हेलो मैम। जी जी सर, हम चेक करें। पैन कार्ड जो क्लब है उसकी भी देख लेना, ये दो तीन कंपनी है जिसमें हमने इन्वेस्ट किया था, इन दोनों कंपनी का। हाँ पैन कार्ड क्लब, ये पैन कार्ड क्लब है और एक आदर्श कोऑपरेटिव सोसाइटी है। जी सर, आदर्श कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए सर आपका उसका रजिस्ट्रेशन नंबर है सर, क्योंकि अलग कंपनी से हो रही है। रजिस्ट्रेशन नंबर है आपके पास? जी वो तो देखना पड़ेगा मैम, पेपर्स वगैरह में मेरा क्या रजिस्ट्रेशन है, वो पेपर्स तो मेरे बहुत दूर रखे हैं। जी सर, तो आप चेक करके हमें फिर से कॉल करना सर, ठीक है? और आप पैन कार्ड के बारे में पूछ रहे हैं? जी 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 सर, हम आपको बताना चाहते हैं सेबी के द्वारा बताया गया है कि आपको आपके डॉक्यूमेंट्स संभाल के रखने हैं। ओके सर, उसका जो रिफंड है वो सेबी के द्वारा होने वाला है सर, ठीक है, दिया जाएगा। जी पैन कार्ड का रिफंड चालू करने वाले हैं आप? जी उस विषय में अभी तक कोई अपडेट नहीं सर, अधिक जानकारी के लिए सेबी के वेबसाइट पर विजिट करके सर जानकारी प्राप्त कर लीजिए। जी लेकिन मतलब ये आपके अंडर में है पैन कार्ड का भी पेमेंट? जी सेबी के द्वारा होने वाला है। सेबी, आप भी तो सेबी से बोल रहे हैं मैम, आप सेबी विभाग से बोल रहे हैं? सेबी हेल्पलाइन। जी जी सर, सेबी हेल्पलाइन है या कुछ भी है तो सेबी विभाग से अटैच आप? जी जी सर। आप तो मुझे बिल्कुल कंफर्म ये बताइए कि पैन कार्ड क्लब का जो पैसा है सेबी ही विभाग देगी? जी धन्यवाद सर, बट उसके लिए अभी तक कोई अपडेट नहीं आई है। वो बात अलग है कि अपडेट अभी नहीं आई, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आपकी निगरानी में है ये कंपनी भी? जी जी सर, आदर्श आदर्श जी जी कोऑपरेटिव सोसाइटी। जी सर, आप रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ कीजिए सर, क्योंकि आदर्श आप अगर एग्जैक्ट नंबर बताएंगे रजिस्ट्रेशन नंबर तो हम ठीक से चेक कर पाएंगे, क्योंकि बहुत सारी कंपनी शो हो पा रही है सर, ठीक है? नहीं मैम, आप जो देख रहे हैं तो उसमें तो देखिए आप कुछ अगर आपसे मिल जाए कि हाँ भाई इस डेट से इन लोगों का पैसा या इनका आवेदन सबमिट करना है, कुछ तो जानकारी थोड़ी बहुत देख के बताइए कंप्यूटर पर देखिए आप। आदर्श कोऑपरेटिव आप जो कह रहे हैं ना सर, वो कंपनी अलग अलग शो हो पा रही सर, जैसे रुको मैं आपको बता रही हूँ। अच्छा, वेट सर। तो मैम अच्छा ये बताइए तो कि KBCL कंपनी है कल्पतरु, तो इसके बारे में बता दीजिए थोड़ा बहुत, ये तो कंपनी ऑलरेडी अलग है। हेलो जी सर, कौन सी कंपनी? KBCL जी जी, KBCL कल्पतरु, ये राणा कोई है उसकी कंपनी है। KBCL कल्पतरु। जी जी सर, वेट सर चेक कर, KBCL कल्पतरु। जी 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 सर, हम आपको बताना चाहते हैं KBCL जो कल्पतरु जो कंपनी आप कह रहे हो सर, उसके ऊपर 26 मई 2014 को ऑर्डर पास किया गया था सर। ओके, तो जो ये कंपनी है कोई भी स्कीम लॉन्च नहीं कर सकती और किसी भी इन्वेस्टर से पैसे नहीं ले सकती सर। ओके, ये तो आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है, तो हमें पता है ऑलरेडी। हम ये जानना चाह रहे हैं कि इस कंपनी का जो पैसा देना है वो आपके ही अंडर में आता है क्या? KBCL का पैसा कोई इसी कंपनी? जी सर, जी जी जी, इसलिए आपको इसी कंपनी से कांटेक्ट करना होगा सर, ठीक है? नहीं मैं आप समझे नहीं, ये तो बैन कर दिया आपने KBCL को, तो बिल्कुल बंद कर दिया, तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि इसका पैसा आपके द्वारा ही मिलेगा? हेलो मैम। जी सर, आपको अधिक जानकारी के लिए हम सेबी का लोकल ऑफिस का एड्रेस प्रोवाइड कर रहे हैं सर। ओके, आप उस पर पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हो सर। जी थोड़ा बहुत तो आपको भी होगी ना इस बारे में जानकारी कि ये KBCL कल्पतरु कंपनी है, ये आपके ही अंडर में आती है। सिर्फ मैं ये जानना चाह रहा हूँ अगर आपके अंडर में आ रही है तो मुझे बताइए कि हाँ जी हमारी अंडर में है, जब भी पेमेंट शुरू करेंगे, वो बात की बात है, मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ। जी सर, आप इस विषय में हमें कोई जानकारी नहीं दी गई है सर, आपको इस बारे में जानकारी चाहिए तो आपको हम सेबी का लोकल ऑफिस प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके, आप उस पर कॉल कीजिए, नंबर प्रोवाइड कराइए, मैं तैयार हूँ। जी जी सर, वेट, आप कहाँ से बात कर रहे हो सर?
आप कहाँ से बात कर रहे हो, कौन से स्टेट से, राज्य से बात कर रहे हो? ओके, तो आपको नजदीकी एड्रेस लखनऊ है राइट? ओके सर, लखनऊ का एड्रेस हम आपको बता रहे हैं, लिख लीजिए। जी बोलिए। जी सर, वेट चेक कर रहे हैं हम। PACL और अन्य चिट फंड कंपनियों की जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को और बेल आइकन का बटन भी दबाएं ताकि हमारे